अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेजी भुना मसाला की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो कमिंग बकरीद पे आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया था एक स्पून ऑयल और कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, छोटी बड़ी इलायची है, तेज़पात है, एक छोटा इंच का दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च और लौंग। तो यहाँ सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे और उसके बाद अच्छे से इनकी खुशबू निकलने तक इसको भून लिया था। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, इसको अच्छे से कस लेंगे जब इसकी खुशबू निकल जाएगी। तो यहाँ मैंने ले लिए थे पिसे मसाले, बहुत बेसिक से मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। इसको भी हम बहुत अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा पानी ऐड करके हम इसको भूनेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से भुनेगा। तो यहाँ तकरीबन इसकी अच्छी से खुशबू निकलने लगी थी, मसाला भुन चुका था। और यहाँ मैंने ऐड कर दी थी एक छोटी साइज़ की प्याज, मैंने ले ली थी, उसका पेस्ट बना लिया था और इसको हमने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मैंने कस लिया था। तो 2 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको कसा था। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो दही मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ले लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया था। अब हम इसको अच्छे से कस लेंगे और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो 5 से 10 मिनट पकाने के बाद जो हमारा मसाला था बहुत ही अच्छे से भुन चुका था और जो उसने तार भी अपना छोड़ दिया था। अब यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे कलेजी। तो कलेजी मैंने 250 ग्राम ले ली थी, उसको अच्छे से धो लिया था। तो हम यहाँ इसमें मसाले में इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ मैंने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसी मसाले में स्लो फ्लेम पे इसको बहुत अच्छे से भून लिया था और इसके बाद हम इसको इसी तरीके से पका लेंगे। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आएगी और बहुत बेहतरीन जायके के साथ ये तैयार होगी। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि हमें जो कलेजी थी वो अच्छे से कुक कर लेनी थी। तो यहाँ हमारी जो कलेजी है हल्की हल्की से पकने लगी थी क्योंकि इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया था, तो इसलिए हम इसको बीच बीच में चलाते भी जाएंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें कसूर की मेथी जो कि मैंने 1/2 टेबल स्पून ले ली थी। और इसके बाद हम इसको अच्छे से इसी मसाले में भून लेंगे। पानी हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हम कलेजी भुना मसाला बना रहे हैं, तो बस स्लो फ्लेम पे इसी तरह हमें इसको कुक कर लेना है। तो ये तकरीबन पकने में आपका 20 से 25 मिनट लेगी जब आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर दिया, तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 4 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पे इसको फिर से दम दे देंगे तो बस ये तैयार हो जाएगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।